हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सरोवर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लर्सन रितु पर। तो एक दिन हमारी ईवीएस की क्लास होती है, एक दिन हमारी हिंदी की क्लास होती है। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हमारी क्लासेज जो है वो डेली आते हैं। ऐसा नहीं है आज आ गई कल नहीं आई, या आज किसी टाइम आ रही है कल किसी टाइम आ रही है, नहीं। डेली 9 PM पे हमारी क्लासेज आती है, एक दिन हिंदी की, एक दिन ईवीएस की। और क्लासेज जो हमारी कंटिन्यू आती है, ऐसा नहीं है कि आज कोई टॉपिक उठा लिया, आज कोई टॉपिक उठा लिया। जो टॉपिक है वो सीक्वेंस से चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आज मैंने पहले जो लास्ट वाला टॉपिक है वो करवा दिया, या उसके बिल्कुल हम लास्ट में फर्स्ट वाले जो टॉपिक होते हैं, इजी होते हैं, वो करेंगे। नहीं, एकदम सीक्वेंस से सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो आपने अगर पीछे वाली क्लासेस नहीं लिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आप ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है काल। एक दिन हम इसकी क्लास कर चुके हैं, वर्तमान काल हम कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्तमान काल में इसके जो है 5 टाइप्स हैं, पूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, संभाव्य, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। ये 5 टाइप्स वर्तमान काल के हैं। तो आज हम भूतकाल करेंगे। भूतकाल के जो है 6 टाइप्स हैं। अब भूतकाल क्या होता है वो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं इसको पता ना हो, सब नोन है। भूतकाल बीता हुआ समय, जा चुका है, हमारा अतीत, हमारा पास्ट। क्या होता है भूतकाल? मेन चीज क्या है यहाँ पे, इसके टाइप्स, कि ये कौन सा भूतकाल है। तो इसके 6 टाइप्स है। भूतकाल कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स है। कितने हैं? 6 है। फर्स्ट जो है हमारा सामान्य भूतकाल। फर्स्ट कौन सा है हमारा? सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट जो हमारा होता है, सामान्य भूतकाल। पहले ये टाइप्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद इनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारा सामान्य भूतकाल, उसके बाद है हमारा पूर्ण भूतकाल। वैसे तो नाम बड़े ही इजी है, नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। थर्ड है हमारा अपूर्ण भूतकाल। थर्ड कौन सा है हमारा? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण ना हुआ हो। फोर्थ है हमारा आसन्न भूतकाल। फोर्थ क्या है हमारा? आसन्न भूतकाल। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भी कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ हिंदी ईवीएस और एसएसटी की प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरा एकदम सीक्वेंस से करवाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्या है हमारा? संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट, सबसे लास्ट जो है हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल। कौन सा है? हेतु हेतुमत भूतकाल। तो ये भूतकाल के 6 टाइप्स हैं, यानी कि पास्ट जो हमारा है, टाइम जो है उसके 6 टाइप्स है। अब हम डिटेल से करेंगे इनको। तो फर्स्ट जो हमारा सामान्य भूतकाल जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? सामान्य नाम से स्पष्ट हो रहा, बिल्कुल एक नॉर्मल, नॉर्मली हम सेंटेंसेस जो यूज़ करते हैं, नॉर्मली किसी काम के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो कार्य हो चुका है, वो क्या होता है? सामान्य भूतकाल। जैसे मैं बोलूँ, मैंने खाना खा लिया, मैं नहा ली, मैंने पढ़ा लिया, मैं पढ़ ली, ये सेंटेंसेस क्या है? सामान्य भूतकाल के हैं। जैसे मैं बोलूँ मुझे प्यार में धोखा मिला, अभी सीरियसली मत ले जाना, कहीं जानने के सॉन्ग सुनने लग जाओ, ये क्लासेस क्लोसेज छोड़ के। ऐसे ही मैं सेंटेंसेज लिखूँ कि मुझे प्यार में धोखा मिला, मुझे प्यार में धोखा मिला, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। धोखा मिला, भाई मिला, क्यों किया विश्वास? आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए था ना, खोल के करना चाहिए था। तो जस्ट मजाक है ये, सीरियसली मत ले जाना, कहीं क्लास व्लास छोड़ के और अपने गड़े मुद्दे उखाड़ने लग जाओ। तो मुझे प्यार में धोखा मिला, जस्ट एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल। ये ऐसे सेंटेंसेस आपको इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि इजीली समझ आते हैं आपको, और एकदम से मतलब फ्रेश माइंड होता है और उसमें इजीली फिट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है हमारा सामान्य, मेरे सबसे क्लियर है आपको। सामान्य मीन्स सामान्य, जो नॉर्मली किसी काम के लिए, जो काम हमारा हो चुका है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन्स। मैंने खाना खा लिया, मैं नहा लिया, मैं नहा ली, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया। तो ये सेंटेंसेस किस में आते हैं? सामान्य भूतकाल में आते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल।
पूर्ण क्या होता है? जहाँ कार्य हमारा पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जैसे कि मैं बात करूं, इनके जो कार्य है हमारा पहले से ही पूरा हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस लगाया, लिखवाया कि मुझे प्यार में धोखा मिला। अब अगर इसको पूर्ण भूतकाल में हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? मुझे प्यार में धोखा मिला था। एक तो था कि मुझे प्यार में धोखा मिला, क्या पता वो अभी मिला हो, जस्ट, क्या पता वो पता नहीं कितने साल पहले मिला हो। बट ये पूर्ण भूतकाल क्या कहता है? जो कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कि मुझे प्यार में धोखा मिला था या मैं प्यार में धोखा खा चुका हूँ, तो ये क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हम खाना खा चुके हैं, सामान्य में क्या था? मैंने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। और पूर्ण में हम क्या बोलेंगे? हम खाना खा चुके हैं, मैं खाना खा चुकी हूँ। इनके हम चुका है, चुके वाले सेंटेंसेस अगर यूज करते हैं, लास्ट में ये आता है, तो इट मीन्स ये पूर्ण भूतकाल है। अगर चुका है, चुकी है, हम लास्ट में यूज कर रहे हैं, यही इनकी निशानी है। क्योंकि वैसे तो मैंने खाना खा लिया, ये भी तो है भूतकाल, तो ये कौन सा होगा? मेरा सामान्य होगा। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया तो ये पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण, इनके जो कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, हो रहा था जब हमने इसको देखा या हमने सुना तब हो रहा था, बट अब हमें नहीं पता कि ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह खाना बना रही थी, मैं सेंटेंस यहाँ लिखती हूँ, यही लिख देती हूँ, वह खाना बना रही थी। देखिए ना, थोड़ा सा हट के बात करती हूँ, लैंगिक रूढ़िवादिता है जो है वो ऐसे हमारे जहन में बस चुकी है, ऐसे मतलब आ चुकी है कि अगर हम सेंटेंसेस लिखते हैं वह खाना बना रही थी, ऐसे लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते वह खाना बना रहा था। एक जनरली हमारे अंदर ये सिस्टम हो चुका है, हमारी लैंग्वेज एकदम पूरा सिस्टम जो है वही उसमें ही ऐसा है। बुक्स में भी हम पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स होती है, फर्स्ट टू हमने ट्वेल्थ पढ़ी है या उसके बाद भी हमने पढ़ी है, फर्स्ट टू ट्वेल्थ हम पढ़ते थे, जो नर्सरी की बुक्स होती है उनमें भी आप देख लेना, या केजी फर्स्ट सेकंड की जो बुक्स होती है उनमें आप देखना, सेंटेंसेस भी इस टाइप से आते हैं कि भाई ये काम जेंट्स का है, ये काम लेडीज़ का है। कभी ऐसा नहीं आता कि राम खाना बना रहा था या राम के पिताजी खाना बना रहे थे, ऐसा नहीं है ना। राम के पापा जी ऑफिस गए, जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, राम जो है कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, मतलब राम नाम से कोई लेसन है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने अपना टिफ़िन तैयार किया, मेरी मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया, मेरे पापा ऑफिस गए, मेरे पापा ने मेरे लिए बुक्स ला के दी, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। ऐसे तो कभी नहीं आता कि मेरे पापा ने मेरे लिए खाना बनाया, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बाज़ार से बुक्स मंगवाई, या मेरी मम्मी ऑफिस गई, ऐसा कभी कोई लेसन नहीं आता। जबकि होना चाहिए ऐसा यार, एक मतलब जब हम स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं वहीं से हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें घुसाई जा रही है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो टॉपिक पे आते हैं, वह खाना बना रही थी, अपूर्ण हमने करना है। तो वह खाना बना रही थी, जब हम किसी के घर गए या अपने रिलेटिव के घर गए, हम जाते हैं, मम्मी हमसे आके पूछती है, भाई कौन क्या कर रहा था, तेरी नानी क्या कर रही थी, तेरी मामी क्या कर रही थी, वो जो मामा की जो लड़के होते हैं वो, दीदी क्या कर रही थी, भैया क्या कर रहे थे। तो हम बताते हैं ना, मामी जी तो खाना बना रही थी, जब हम आए उस टाइम वो बना रही थी। अब क्या पता उन्होंने बना भी लिया होगा, क्या पता वो बना भी रही होंगी, अब कब बनाया नहीं पता ना, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये लिखते वह खाना बना चुकी थी, मामी जी खाना बना चुकी थी, तो पूर्ण हो जाता पूर्ण भूतकाल। इसने क्या बोला है, वह खाना बना रही थी, जब मैं आया तब तो बना रही थी, तो ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा सेंटेंस है हमारा, अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैं बोलूँ, अगर ऐसी लाइफ जी है एकदम बिंदास वाली, तो क्लास में एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एकदम जोकर टाइप होते हैं, डोर बंद करके हमें नाच के दिखाते हैं, ठीक है, या ऐसे ही उठपटांग हरकतें करते हैं। तो जब वो हमें कई साल बाद मिले तो हम क्या बोलते हैं कि तू तो बड़ा नाचता था, है ना, तुम तो बड़े नाचते थे, ऐसे बोलते हैं ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर वालों को इरेज कर देती हूँ, तुम तो बहुत नाचते थे, ऐसा मैंने सेंटेंस लिखा।
बहुत नाचते थे। तो देखो उसकी हैबिट थी, वो हमें नाच नाच के दिखाता था। अब जरूरी तो नहीं है कि वो आज उसने नाचना बंद कर दिया है, क्या पता वो आज भी ऐसे ही करता हो, डोर बंद करके और अपने घर वालों को दिखाता हो या अपने ऑफिस के जो काम करने वाले उनको दिखाता हो सकता है ना ऐसा। तो तुम तो बहुत नाचते थे, नाचता था भाई, उसकी हैबिट थी, अब क्या पता वो अब भी नाचता हो। तो इसलिए ये सेंटेंस किस में आएगा, अपूर्ण भूतकाल में आएगा। कार्य तो ये पास्ट का है, हमने तो इसको पहले देखा, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि उसने यह छोड़ दिया नहीं छोड़ी, हो सकता है ये अभी चल रहा हो, विपूर्ण ना हुआ हो ये काम। जैसे हमारे घर में कोई रिलेटिव आए और हम उसको चाय दें और बोले ना जी ना जी ना जी, मैं तो नहीं पीता अभी, मैं तो छोड़ दे, मैं तो छोड़ रखी हूँ, अगर ऐसे बोले तो हमें तो पता ही होता अभी कौन कितनी पीता है। मम्मी नहीं बोलती, पहले तो बहुत पिया करते थे हम, आपको छोड़ दी है ना, पहले तो आप बहुत पीते थे, तुम तो चाय बहुत पीते थे, अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिखूँ तुम तो चाय बहुत पीते थे, पीता था वो हमें पता है, लेकिन आप पीता है कि नहीं सच किसको पता। अब क्या पता उसको हमारे घर की चाय ना पीनी हो इसलिए बोल रहा हो, है ना, ये तो हो सकता है ना। तो यही चीज है, मेरे कहने का मतलब क्या है, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, यानी कि जो कार्य हमने देखा है उसको करते हुए या हमने सुना है, जो कार्य मतलब स्टार्ट हो चुका है बट वो खत्म कब हुआ हमें नहीं पता, या हो गया या होगा, ये कंडीशन अगर हो तो इट मीन्स अपूर्ण भूतकाल होगा। नाचते थे, इसते थे, ता थे, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, इट मीन्स वो अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है हमारा आसन्न भूतकाल, जो कि जिसको हम वर्तमान भी कहते हैं, पूर्ण वर्तमान जो होता है वो किस में आता है, आसन्न भूतकाल में आता है। मैंने आपको कल करवाया था कि पूर्ण वर्तमान और आसन भूतकाल एक ही बात है, पूर्ण वर्तमान और आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है, आसन भूतकाल जो काम अभी पूरा हुआ है, जस्ट पूरा हुआ है, जैसे मैंने अभी चाय पी थी तो मैं कहूँ मैंने अभी चाय पी है, बस जो काम अभी पूरा हुआ है। आसन भूतकाल क्या होता है, जो काम अभी पूरा हुआ है, जस्ट पूरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। जैसे सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, बारिश हो चुकी है, हो चुकी है, अभी हुई है, बारिश हो चुकी है, तो ये क्या होगा, आसन भूतकाल। हम खेल चुके हैं, मतलब जस्ट हम खेले हैं, जैसे हम खेल रहे होते हैं और मम्मी पूछे, अब की बात नहीं कह रही मैं, जब हम बचपन में छोटे थे उस टाइम हम खेल रहे हैं और मम्मी आई, पढ़ना तो है नहीं तुमने, सारा दिन खेलना खेलना, बस फोन चलाना, टीवी देखना, सारा दिन यही काम है, तो हम क्या बोलते, बस अभी पढ़ रहे थे हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा काम था वो हम कर चुके हैं, तो वो क्या होता है, आसन भूतकाल, जो काम जस्ट कंप्लीट हुआ है बट वो मम्मी ने देखा नहीं ना, इसलिए पढ़े थे उस टाइम हमें नहीं देखा, लेकिन खेल रहे उस टाइम देख लिया है ना। तो जो काम अभी पूरा हुआ है वो क्या होगा, हमारा आसन भूतकाल, जस्ट कंप्लीट हुआ है, पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्या है, संदिग्ध भूतकाल क्या है, जिसके बारे में हमें संदेह हो, जिस काम के लिए हमें संदेह हो, भाई संदेह पैदा हो, वो क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल, नाम से ही स्पष्ट है। आप नाम को देखा करो पहले कि भाई ये क्या कहना चाहता है, इसको समझने की कोशिश किया करो, बाकी चीजें बाद में। संदेह भूतकाल, सॉरी संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, जिसमें हमें संदेह हो, दो बहन भाइयों की लड़ाई हो गई, एक रो रहा है, मम्मी आके बोलती है जरूर तूने इसको थप्पड़ मारा होगा, चाहे वो मारे ना, लेकिन मम्मी को पता है ना इतने शैतान है, जरूर तूने इसको थप्पड़ मारा होगा, जरूर तूने इसको गाली दी होगी, जरूर तूने इसको उल्टा बोला होगा। अगर हम बेसिक सेंटेंस करते हैं ना, बेसिक एग्जांपल्स करते हैं, तो रियली आई मतलब भाई 200% आई एम श्योर आपको वो चीजें कभी कभी भी नहीं भूली जाएंगी, कभी आपको ये नहीं होगा कि हाँ मुझे वो चीज आती नहीं या काल मुझे दोबारा करने पड़ेंगे, कभी नहीं। आप अपनी डेली जो लाइफ है, अपनी रियल जो
इससे बेस्ट तरीका या इससे बेस्ट ट्रिक कोई नहीं हो सकती। इधर उधर से मतलब कहीं से बुक से ढूंढ ढांड के आपको एग्जाम्पल्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, देखेंगे पेपर में कितने के आएंगे, हम 1000 2000 हम तो पढ़ लेंगे, देखता हूँ पेपर में कितने आएंगे। पेपर वाला तो कहीं से भी दे सकता है ना, और वो कौन सा आसमान से उठा के लाएगा, वो भी तो उसके माइंड का आइडिया है, तो आपके भी दिमाग का आइडिया है, आप भी अपने आप सेंटेंस बनाया करो, सिंपल चीज़ है। संदिग्ध, संदेह, तुमने जरूर उसको थप्पड़ मारा होगा, वह बाजार गया होगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, संदिग्ध भूतकाल, ये क्या होते हैं, संदिग्ध भूतकाल। तुमने खाना खा लिया होगा, तो ये होते हैं हमारे संदिग्ध भूतकाल। आगे है हेतु, हेतु मद भूतकाल, जहां हमें उम्मीद हो, जहां हमें आशा हो, वो क्या होते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे ये अगर विंडो खोल दे तो ये मक्खियां नहीं टिकती, और ना खोले तो सही से वीडियो नहीं बनती। हेतु हेतुमत भूतकाल, अगर जैसे यानी कि एक शर्त हो, हमें शर्त के साथ कोई चीज, मान लो आप में से किसी ने किसी बड़ी सी एकेडमी से कोर्स लिया हो, या कोई चैनल से कोर्स लिया हो 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके, और फिर जब यहाँ आए क्लास लेने, तब ऐसे महसूस हुआ, ओए राम, जे मैं 8 पढ़ लेती तो बिना टीचर बने जानती, है ना। ऐसा हुआ होगा किसी के साथ भी, अगर मैंने यहाँ से पढ़ा होता, अगर मैंने लेटसन ऋतु से पढ़ा होता, तो मैं अब तक अध्यापिका बन चुकी होती, सिंपल सेंटेंस है। तो ये किस में आता है, हेतु हेतुमत भूतकाल में आता है हमारा, यानी कि शर्त के साथ। बस एक ही सेंटेंस लिखाऊंगी, यदि मुझे LLR यानी कि लेटसन ऋतु जो फैमिली है जो, या ग्रुप जो है, पहले मिल गया होता तो मैं अब तक अध्यापिका बन चुकी होती, है ना। तो ये हमारा किसमें आएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल में आएगा। इससे अच्छा सेंटेंस और कोई नहीं हो सकता, और इससे इजी कोई नहीं हो सकता। फीलिंग आप अच्छे से समझ सकते हो इस सेंटेंस के साथ, आप अच्छे से फील कर सकते हो, अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। तो हेतु हेतु मत क्या होता है, एक शर्त के साथ, अगर मैंने ये किया होता तो मेरा ये हो जाता, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो आज मैं टीचर बन जाती, अगर मैं उसके झांसे में ना फंसी होती तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो ये किस में आता है, हेतु हेतु मत भूतकाल में आता है। और संदिग्ध की, और एक जैसे किस में होता है, संदिग्ध तो हम कर चुके, हाँ, अगर आज गर्मी ना होती तो बारिश नहीं होती, क्योंकि जब बारिश आती है उससे पहले बहुत ज्यादा हुमस हो जाती है ना, तो वही, तो अगर आज गर्मी ना होती तो बारिश ना होती। तो ये क्या है, हेतु हेतु मत, यानी कि एक शर्त है, अगर ये, अगर ना, यदि जिस सेंटेंस में यूज हो रहा है, इट मीन्स ये हेतु हेतु मद भूतकाल है, तो ये इसकी निशानी है या इसकी ट्रिक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे है भविष्यकाल, इसके 3 टाइप्स है, ज्यादा नहीं है। दुखी जो करता है हमें सबसे ज्यादा, वो भूतकाल ही करता है भाई, सबको करता है, भविष्य के बारे में तो नहीं। खैर, भविष्यकाल कौन सा है आगे हमारा, भविष्यकाल, 3 टाइप्स है इसके। भविष्यकाल में सबसे पहला है हमारा सामान्य भविष्यकाल, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वो भविष्य हो, सामान्य तो होता ही होता है भाई, लाइफ है वो भी कभी कभी सामान्य होती है, हर टाइम उसमें उथल पुथल नहीं बची रहती, तो सामान्य तो सब में है। सामान्य भविष्यकाल है हमारा। दूसरा है संभाव्य,
दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा है हमारा हेतु 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 मद, और हेतु हेतु मद जो है हमारा वर्तमान में नहीं होता, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में नहीं होता। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल एकेडमी में जाऊंगा, मैं कल नया टॉपिक बढ़ाऊंगी, तो ये किस में है, सामान्य भविष्यकाल। और एक अच्छा सिस्टम पॉइंट, जैसे हम क्या सोचते हैं डेली, हम सोचते हैं कि कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, डेली सोचते हैं ना, मम्मी डांटती है, पढ़ना तो है ही नहीं तुझे, सारा दिन फ़ोन चलाना है, सारा दिन फोन पे बातें करनी है, ऐसे कुछ सेंटेंस यूज होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, कल से मैं पक्का पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो ये क्या है, सामान्य भविष्यकाल, यानी कि सिंपल सेंटेंस है हमारा कि जो कार्य हमें करना है फ्यूचर में हमें करना है, जो हमें कार्य करना है, किया नहीं है ना ही हम कर रही हैं, जो हमें करना है, कल से मैं पढ़ूंगी, कल मैं बाजार जाऊंगी, कल मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी, तो ये क्या होते हैं हमारे सामान्य भविष्यकाल में आता है। नेक्स्ट है संभाव्य, संभाव्य मीन्स संभावना, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्लास में बच्चों को पता लग जाए कल टीचर नहीं आएगा, वो पहले से ही कल मतलब पहले दिन से वो खुश हो जाते हैं भाई कल तो ये टीचर नहीं आएगा, तो दो चार क्लास के बच्चे होते हैं, सर आप कल नहीं आओगे, या मैम आप कल नहीं आओगे, अच्छा फिर आपका टेस्ट कौन लेगा, अच्छा फिर आपकी जगह कौन आएगा, मतलब उनको ये होता है अभी सर ये बोल दे भी कोई नहीं आएगा, अभी क्लास खाली रहेगी और आप मस्त मजे में रहो, है ना। तो फिर वो टीचर क्या करता है, क्या बोलता है, शायद मैं कल आ जाऊं, बिगड़ गई बात, ऐसा होता है ना बच्चों को, ये है कि भाई कल तो टीचर नहीं आएगा, खुशी मतलब पहले दिन से खुशी मना रहे हैं, उस टीचर के सामने शो कर रहे हैं भाई आपके बिना हम कितना खुश रहते हैं, तो टीचर क्या कर देता है, शायद मैं कल आ जाऊं, तो ये शायद मैं कल आ जाऊं, शायद जहां वर्ड यूज हो रहा है, तो ये क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है, क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है। अब आगे है हेतु हेतु मत, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि इतने मुश्किल है नहीं और इतनी मुश्किल मैंने लैंग्वेज यूज भी नहीं किया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इससे इजी लैंग्वेज और हम क्या करेंगे। जैसे उम्मीद है पहली बार में ही मैं टीचर बन जाऊं या पहली बार में ही मैं पास हो जाऊं, तो ये किस में आते हैं, संभाव्य में आते हैं। हेतु हेतु मत, वही चीज आ गई भूतकाल वाली, हेतु हेतु मत भूतकाल में जैसे कि शर्त के साथ, तो भविष्य में क्या होगा, अगर या फिर आप मान लो आप लेट्स लर्न रितु चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आपके 130 प्लस पक्के आएंगे, एक शर्त के साथ है, एक कंफर्मेशन है, बिलीव है एक, तो उसके साथ बात कही जा रही है। अगर आप मतलब मान लो 5 घंटे डेली पढ़ाई करोगे आपके 140 प्लस पक्के आएंगे, तो ये क्या हो गया, हेतु हेतु मत भविष्यकाल हमारा हो गया, इनकी जो शर्त हो और वो भी किसकी, भविष्य की। और एक फनी सा सेंटेंस, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, और 2 बिल्ली लाऊंगा, और क्या लाऊंगा, 2 बिल्ली लाऊंगा। बचपन में हम पोइम बोलते थे ना, मामा गया दिल्ली 2 लाया बिल्ली, तो वही सेंटेंस है, मैं दिल्ली जाऊंगा और 2 बिल्ली लाऊंगा, या मैं कल दिल्ली जाऊंगा और 2 बिल्लियां लाऊंगा, तो ये क्या है, हेतु हेतु मत भविष्यकाल में आ जाता है भी, अगर मैं कल दिल्ली गया तो मैं 2 बिल्लियां लाऊंगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो यही कंप्लीट होता है, और नहीं सॉरी तो आएगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो 2 बिल्ली लाऊंगा, क्योंकि सर तो यही होती है ना, मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो 2 बिल्ली लाऊंगा, तो टॉपिक हमारा जो कंप्लीट होता है, काल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, वर्तमान भूतकाल भविष्य हमने तीनों ही कर लिए हैं, वर्तमान के 5 टाइप्स हैं, भूतकाल के 6 हैं और भविष्य के 3 हैं। हेतु हेतु में जो होता है वो
वर्तमान में नहीं होता, भूतकाल और भविष्य काल में होता है। और भाई क्लास अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक शेयर जरूर कर देना और प्लीज़ मेंबर्स ऐड करो ताकि हमारी फैमिली जो है थोड़ी बड़ी हो जाए और पढ़ाने में भी थोड़ा मज़ा आए। और प्लीज़ कमेंट वाले सेक्शन में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाया करो, मुझे भी खुशी मिलती है बट आप हाजिरी लगाते नहीं हो। थैंक यू सो मच।